नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और आज हम जलेबी बिना खमीर के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप मैदा लिया है, तो मैं इसे एक बाउल के अंदर डाल लूँगी। एक चौथाई कप मैंने यहाँ दही लिया है। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, तो मैंने इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। एक चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं और चावल का आटा भी ले सकते हैं। ना चावल का आटा है ना कॉर्नफ्लोर है, तो आप कुछ भी मत लीजिए। और ये एक चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं लेना है हमें, बेकिंग पाउडर लेना है। जिससे हम केक बेक करते हैं ना, वो बेकिंग पाउडर लेना है हमें। तो एक चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ फूड कलर लिया है। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप मत डालिए। आधी छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार करूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा डालिए ताकि आपके बैटर के अंदर लम्स ना पड़े। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है। हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। ये हमने हमारा घोल इस तरह का रखा है, करछी से आराम से नीचे आ रहा है हमारा घोल। तो अब मैं इसे थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। फेंटने से जलेबियाँ बहुत ही अच्छी बनती है, तो मैं इसे थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। अगर आप हाथों से चाहो तो हाथों से फेंट लीजिए, इस तरह फेंट लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो अब मैं इसे ढककर रख दूंगी और हमारी चाशनी तैयार करूंगी। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं एक कप चीनी डाल दूंगी और आधा कप मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। हमें पानी आधा कप ही डालना है, तो आधा कप मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। और मैंने यहाँ गैस ऑन कर दी है। अब मैं गैस ऑन पे इसे चलाते हुए पका लूंगी। थोड़ी देर हम इसे चला लेंगे ताकि हमारी चीनी फटाफट गल जाए और नीचे नहीं बैठे। हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है और इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। हमें तार नहीं बनाना है, केवल चीनी घुलनी है। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारी उंगलियाँ इस पर चिपकती है या नहीं। हमें केवल चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ गैस ऑन कर दी है और इस पर तेल गरम करने रख दिया है। अगर आप घी में बनाना चाहो तो घी में बना लीजिए, और अगर आप आधी तेल और आधे घी में बनाना चाहो तो ऐसे बना लीजिए। मैं आज तेल में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ तेल बिल्कुल मीडियम गैस पे गरम करने रख दिया है। और अब हमारा बैटर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने हमारा घोल, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दो चम्मच पानी और डाला है और थोड़ा सा पतला किया है। अगर आप कपड़े में बना रहे हो तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रहने दीजिए, पानी मत डालिए। तो आज मैं इसे सॉस की बोतल में बनाऊंगी। ये बोतल आराम से इजीली मिल जाती है बाज़ार में 10-10 रुपए में। तो आज मैं इस बोतल में बनाऊंगी। और मैंने घोल को बोतल में बनाने के लिए थोड़ा सा पतला कर लिया है, तो मैंने दो छोटे चम्मच इसके अंदर और पानी डाल दिया है। आप घोल इस तरह का रखिए। अगर कपड़े में बना रहे हो तो आप थोड़ा सा इसे गाढ़ा रखिए। बैटर को बोतल में भरने से पहले हम इसके अंदर एक पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे। तो मैं इसे बोतल के अंदर भर लेती हूँ इस तरह। तो तेल हमारा मीडियम गरम है, मैंने गैस सिम कर दी है और अब मैं हमारी जलेबियाँ बनाना शुरू करती हूँ। तो इस तरह हम हमारी जलेबियाँ बनाते रहिए। और ये अच्छे से फूल कर ऊपर आ जाएगी और चाशनी में जाने के बाद ही और भी अच्छे से फूलेगी।
इस तरह हम हमारी सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसे एक साइड से सिकने देंगे और उसके बाद पलटेंगे। गैस मैंने सिम और मीडियम के बीच रखी है, तो ये देखिए मैं इन्हें पलट देती हूँ और पलट पलट कर हमें इन्हें दोनों तरफ से अच्छी कुरकुरी होने तक फ्राई करना है। गैस का ध्यान रखिए, गैस हमें मीडियम और सिम के बीच रखनी है और इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। जब ये तेल के अंदर डिप, जब ये चाशनी के अंदर डिप होगी तो ये और भी ज़्यादा फूल कर तैयार हो जाएगी। तो ये जलेबियाँ हमारी अच्छी कुरकुरी हो गई है, तो अब मैं इन्हें निकाल कर चाशनी के अंदर डिप कर देती हूँ। चाशनी में इसे अच्छे से डिप कर देंगे। तो हमने इसे चाशनी के अंदर डिप कर दिया है, हम इसे 2 मिनट के लिए चाशनी के अंदर डिप रखेंगे और फिर इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। चाशनी हमारी थोड़ी गर्म है, आपको थोड़ी सी गर्म रखनी है चाशनी, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं रखनी है। तो अब हम हमारी बाकी की जलेबियाँ बना लेते हैं और फिर हम हमारी जलेबियाँ बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह हम हमारी सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आराम से जलेबी बनाइए। तो अब हमारी ये जलेबियाँ भी निकाल लेंगे और इन्हें भी चाशनी के अंदर डिप कर देंगे और फिर 2 मिनट रखकर हम इन्हें चाशनी से निकाल लेंगे। हमारी जलेबियों को अच्छे से चाशनी के अंदर डिप कर देंगे और फिर इन्हें निकाल कर सर्व कर देंगे। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और सर्व कर देती हूँ। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट रस से भरी क्रिस्पी जलेबी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।